हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा की थी और साथ ही उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक हमने प्राप्त किया था। देखिए, हमने दो वीडियोस में अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ लिया और उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता का हमने अध्ययन किया। यहाँ से हमने एक विकल्प ये हमने यहाँ से एक निष्कर्ष प्राप्त किया कि ये जो दर्पण सूत्र है ये दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यता लागू होता है, एक समान रूप से लागू होता है, दोनों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। अवतल दर्पण के लिए भी दर्पण सूत्र वही होता है जो कि उत्तल दर्पण के लिए होता है। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो भी अवतल दर्पण के लिए भी वही होता है जो कि उत्तल दर्पण के लिए होता है। इससे पहले वीडियो में हमने आर और एफ में संबंध सत्यापित किया था और वहां भी हमने ये बोला था कि ये जो आर और एफ में संबंध है ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यता मान्य होता है। यह उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यता मान्य होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, देखिए क्या होगा और किस रूप में होगा। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का अगर हम प्रयास करें, देखिए इस पे आधारित अगर कुछ प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करें तो देखिए आपकी किताब में दिया गया जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। पहले एग्जाम्पल पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर एक पर हम विचार करते हैं कि आपकी किताब में दिया गया पहला एग्जाम्पल क्या होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से दर्शा दिया इसको और ये 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए कैपिटल आर का मान माइनस में होता है और चूंकि हमें पता है कि एफ बराबर क्या होता है हमारे पास में आर बटा दो, तो आर में दो का भाग दे दीजिए, एफ का मान कितना आ गया माइनस में 25 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि जो फोकस दूरी है लेफ्ट साइड में ही दर्पण के बाईं ओर है, ये फोकस दूरी मतलब फोकस जो है वो बाईं ओर है दर्पण के ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। एक वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, अभी हो गया एग्जाम्पल नंबर दो। तो देखिए यहाँ से अब एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान हमें कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ये अवतल दर्पण है इसके लिए इसका मान माइनस में होगा और इस 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो वस्तु यानी यू का मान कितना हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। वस्तु की जो दूरी है यू वो 10 सेंटीमीटर हो गई और ये हमेशा माइनस में होती है। आर का मान आपको मिल गया तो चूंकि एफ बराबर हमारे पास में क्या होता है आर बटा दो, ये नहीं किया आ जाएगा माइनस में 15/2 या फिर माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप एक बात और देखिए, आपको फोकस दूरी दे रखी है 7.5 माइनस में, आर का मान माइनस में 15 दे रखा है। माइनस तो दिशा के लिए कि लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें बाई हो रही सारी चीजें, आपको एफ का मान 7.5 दिया जाए, आर का मान दे रखा है 15 और यू आपको दे रखा है 10। देखिए ये जैसे आपके पास में अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे पी है, ये मुख्य फोकस हो गया एफ और ये हो गया वक्रता केंद्र सी, तो फोकस दूरी जो है 7.5 हो गई और ये जो वक्रता त्रिज्या है ये 15 हो गई और वस्तु को आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे रख दिया और ये जो वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये 10 दे रखी है आपको। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस स्थिति में वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी और एफ के बीच में रखी हुई है और अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। यदि यदि वस्तु को सी व एफ अनंत यदि वस्तु को सी व एफ के बीच में रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत व सी के बीच में बनेगा और इसका जो अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा क्योंकि आपने प्रतिबिंब निर्माण में देखा था। तो पहली बात तो इसका उल्टा, वास्तविक और वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हालांकि हम ज्ञात करेंगे ये भी
और इसके अलावा वस्तु जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड में ही बनता है, सी और अनंत और सी के बीच में बनेगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा वो तो अवतल दर्पण के लिए। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से भी वो माइनस में आएगी। याद करके देख लेते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र लगा दे, दर्पण सूत्र से याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में होता है, चूंकि एक बटा एफ बराबर होता है हमारे पास में एक बटा वी प्लस एक बटा यू, तो यहाँ से एक बटा वी बराबर आ जाएगा एक बटा एफ माइनस में एक बटा यू बराबर एक बटा, और एफ का मान कितना हमारे पास में माइनस में, या फिर देखिए यहाँ से वन अपॉन, और एफ का मान हमारे पास में कितना है माइनस में पंद्रह बटा दो, तो माइनस और ये पंद्रह और बटा वाला जो दो है वो आ गया ऊपर, फिर माइनस वन अपॉन और यू का मान हमारे पास में माइनस में दस, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस में दस, तो यहाँ पे एलसीएम आपने ले लिया तीस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस में और चार और प्लस में तीन, हमारे पास में आ गया यहाँ से माइनस का एक बट्टा तीस, ये हमारे पास में वन अपॉन वी का मान है, एक बट्टा वी का मान अगर आपको मिला है तो वी का मान इसका उल्टा करके मिल जाएगा हमें, इसका उल्टा कीजिए आप तो वी का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस में तीस सेंटीमीटर। देखिए हमने बोला भी था कि वी का मान माइनस में आ रहा है, माइनस में तीस ही आएगा, और ये जो प्रतिबिंब है आप देख लीजिए अनंत और सी के बीच में है या नहीं, भाई सी की जो दूरी थी वो कितनी होगी एफ की तुलना में डबल, एफ की तुलना में डबल दूरी कीजिए, एफ की तुलना में डबल दूरी सी की दूरी, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, 15 के बाद में ये मतलब अनंत और सी के बीच में रखा हुआ। अब आपने ये तो देख लिया, ये तो वी का मान आ गया, इसकी दूरी आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई आपको। अब आपको प्रतिबिंब की प्रकृति और देखनी है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के लिए हम लोग क्या देखते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता के बारे में देखते हैं। और क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु की जो ऊंचाइयां हैं वो तो हमें दे नहीं रखी, तो हमें आवर्धनता के लिए वी और यू वाला सूत्र काम में लेना पड़ेगा, और चूंकि एम बराबर हमारे पास में होता है माइनस में वी अपॉन यू, तो माइनस और वी का मान हो गया हमारे पास में माइनस में तीस बट्टा यू का मान हो गया हमारे पास में माइनस में दस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो एम का मान आ गया हमारे पास में माइनस में तीन। अब पहले देखिए आप एम का मान माइनस में आ रहा है, एम का मान माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है उल्टा और वास्तविक है, और तीन इसका आंकिक मान है तीन जो कि एक से बड़ा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है तीन गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, आवर्धित यानी तीन गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अतः यहां से अगर हम देखें, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा, और कितना बड़ा चार गुना है, ठीक है, अच्छा सवाल था ये, और कुल मिला के ठीक प्रश्न कहा जा सकता है इसको। अगला देखिए आप एग्जांपल, अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी आपको 98 सेंटीमीटर दे गई है, एग्जांपल नंबर 3 आपकी किताब में, तो एफ का मान हमारे पास में है 98 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये माइनस में आ गया हमारे पास में। अब आगे इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, वी का मान हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 100 सेंटीमीटर हो गई। देखो ये दर्पण की प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो यहां से देखिए आपको बोला गया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता फोकस दूरी आपको 98 सेंटीमीटर दी गई है, और इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है,
तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए एफ का मान 98 है तो आर का मान इसके तुलना में डबल होगा, तो आर का मान हो जाएगा 196। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि लेफ्ट साइड में है और आर का मान हो गया माइनस में 196। अब वी का मान है 100। देखो ये जो 100 है ये 98 से ज्यादा है और 196 से कम है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, आर और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में सॉरी बन रहा है। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस और ये सी, यहाँ पे फोकस दूरी हो गई हमारे पास में 98 और ये हो गया हमारे पास में 196 और आपने वस्तु रख रखी है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो वस्तु है ये सी और एफ के बीच में रखी हुई है ना, और जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, वस्तु सी और एफ के बीच में रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, इसका प्रतिबिंब हमें मिलेगा जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें अनंत और सी के बीच में मिलेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब आपको अनंत और सी के बीच में मिल रहा है, अगर प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है कब, जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है। प्रतिबिंब आपको मिल रहा है सी और एफ के बीच में, और जब प्रतिबिंब आपको सी और एफ के बीच में मिल रहा है तो इसका जो इसके लिए वस्तु आपने कहाँ रखी होगी, अनंत और सी के बीच में रखी हुई होगी। देखिए मतलब सी का जो मान है आपको दे रखा है, सी का मान जो इसके तुलना में डबल 196 होगा, उससे ज्यादा प्राप्त होगी आपको वस्तु की दूरी। तो यहां से अगर हम देखें तो 1/f बराबर होता है हमारे पास में 1/v+1/u, तो यहां से 1/u बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1/f माइनस में 1/v। तो यहां से ये माइनस में लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बनता है, तो यहां से 1/ और f का मान माइनस में 96 और माइनस 1/ और v का मान माइनस 100 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से 1/u बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 9800, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 100 और प्लस में 98 तो आ गया माइनस में 2/9800। तो 1/u बराबर आ गया हमारे पास में माइनस में 1/4900। तो यहाँ से u का मान हमारे पास में आ जाएगा माइनस में 4900 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में इसको कन्वर्ट करो तो 100 का भाग दो तो माइनस में 49 मीटर, ये यू का मान है। देखो 4900 सेंटीमीटर आया है जो कि 196 से ज्यादा है, मतलब आर से ज्यादा है, सी के बाद में रखा हुआ है, ये प्रतिबिंब वस्तु सी के बाद में रखी हुई है, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख रखा है आपने। ये हमने अभी तक आपकी पुस्तक के 3 एग्जाम्पल्स 3 उदाहरणों का अध्ययन किया है हमने। अब इसके आगे देखते हैं और कोई प्रश्न किस रूप में हमें दिया गया है। देखिए आगे देखें, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर आपको दी गई है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान 4 मीटर आपको दिया गया है अवतल दर्पण के लिए, माइनस में होता है, और एफ का मान कितना होता है हमारे पास में, एफ बराबर क्या होता है r/2, यानी एफ का मान फोकस दूरी का मान आ जाएगा 2 मीटर माइनस में लेफ्ट साइड में है। अब इसके बाद में आपको बोला गया है एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती हो सके। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वह अपनी लंबाई की कितनी गुना प्रतीत हो सके, 2.5 गुना प्रतीत हो सके। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो दर्पण के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है बालिका। देखिए बालिका एक लड़की है वो इस दर्पण के सामने खड़ी है, और वो इस दर्पण के सामने खड़ी है इस प्रकार से कि वो 2.5 गुना प्रतीत हो रही है अपनी लंबाई से।
जब वो लड़की ढाई गुना प्रतीत हो रही है अपनी लड़काई लंबाई से, जब लड़की अपनी लंबाई से ढाई गुना प्रतीत हो रही है, तो आपको इसका मतलब दे रखा है आवर्धन क्षमता m का मान, और वो कितना है हमारे पास में 2.5। अब भाई यदि प्रतिबिंब सीधा है, आपको बोला गया है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है कि लड़की की इस दर्पण से दूरी क्या होगी, लड़की की दर्पण से दूरी क्या है, लड़की एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो u का मान हमें ज्ञात करना है। आपको f का मान दिया गया है और m का मान दिया गया है, और आपको u का मान चाहिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप m का जो मान है वो u और f के पदों में ज्ञात कर लो, और उसके बाद में हम आगे गणना कर लेंगे। तो यहां से अगर हम देखें दर्पण सूत्र से, देखिए हमारे पास में 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u, इसको आप u से गुणा कीजिए तो आ गया u/f बराबर आ जाएगा u/v + 1। तो यहां से u/v बराबर आ जाएगा u/f, और माइनस में आ गया 1 बराबर आ जाएगा u-f/f। तो यहां से आपने v/u का मान ज्ञात किया, तो आ जाएगा हमारे पास में f/u-f। अब यहां से m बराबर हमारे पास में होता है माइनस में v/u, तो माइनस और v/u का मान आ गया f/u-f। तो यहां से m का मान आ जाएगा, माइनस को अंदर गुणा कीजिए तो और ये आ जाएगा f-u, u का मान हमें चाहिए है, m का मान हमें दे रखा है। देखिए मान लिखते हैं हम इसमें, तो यहां से m का मान हमें दे रखा है 2.5 प्लस में है ये, बराबर है f का मान हमें दिया गया है माइनस में 2/f का मान माइनस में 2 और माइनस u। तो यहां से इसको आप हिसाब में ले आइए, तो यहां से 2.5 को आप पहले किससे गुणा करेंगे, माइनस के 2 से, तो कितना आ गया हमारे पास में माइनस में 5, फिर 2.5 को आपने माइनस u से गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में माइनस में 2.5u बराबर माइनस में 2। तो यहां से माइनस में 5 और ये 2 इस साइड में आएगा तो प्लस में हो गया 2, और बराबर में आ गया 2.5u का विसर्ग लेके आ दो, प्लस में हो गया 2.5u। तो यहाँ पर कितना बचाएगा हमारे पास में 3 बराबर आ जाएगा 2.5u। तो यहां से u बराबर आ जाएगा 3/2.5 या फिर 30/25, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 6/5। तो यहां से u का मान आ जाएगा हमारे पास में, u का मान आ जाएगा हमारे पास में देखिए 1.2 मीटर, मतलब लड़की इस दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है, 1.2 मीटर पर खड़ी हुई है। और आपने बोला भी था कि लड़की जो है वो इस प्रकार से खड़ी है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो ढाई गुना बनता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो बड़ा प्रतिबिंब वो कब बनता है, जब वस्तु कहां पे रखी हुई होगी, पी और एफ के बीच में, ठीक है। और f का जो मान है हमारे पास में वो कितना है, 2 मीटर है, देखिए 2 मीटर की तुलना में कमी तो है इसका मान, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लड़की है वो कहां खड़ी हुई है, 1.2 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें आगे, देखिए आगे इसको हल करने का अगर हम प्रयास करें तो इस रूप में क्या हम इसको हल कर सकते हैं, देखना अगला प्रश्न हम देखें। यहां से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है और इसका जो वास्तविक बिंब है इसके सामने इसके ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति आप ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज और देखना है यहाँ पे इस प्रश्न में, आपने f/m बोल दिया f/f-u, f का मान आपने -2 लिख दिया, m का मान आपने 2.5 लिख दिया। अब देखिए यहां से आप देखो तो यहाँ पे u का मान आपको किसमें लेना है, माइनस का u नहीं लेना पड़ेगा, u का मान किसमें होता है, माइनस में ही तो होता है। तो लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब हमें मिल गया। अब अगला हम देखते हैं पांचवा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो f है और एक वास्तविक बिंब जो है वो इसके सामने इसके ध्रुव से f दूरी पर रखा गया है, एक वास्तविक बिंब जो है वो इसके सामने इसके ध्रुव से स्मॉल f दूरी पर रखा गया है, मतलब बिंब यानी वस्तु की जो दूरी है इससे वो कितनी है, f है। एग्जाम्पल नंबर 5, वस्तु की जो दूरी है u का मान वो आपको कितना दिया गया है, f, ये माइनस में होता है हमेशा,
आगे अगर हम देखें इसमें, तो इसने हमें बोला है इसके प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, बी का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि इसकी जो फोकस दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, वो एफ दे रखी है, इसकी फोकस दूरी एफ है। दर्पण सूत्र आप लगा दीजिए, तो यहां से आपको वी का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। दर्पण सूत्र आप लगाइए, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस में 1/n, नहीं 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/v, और यहाँ पे 1/, और f v का मान कितना है हमारे पास माइनस का f, इसको आप इस साइड में ले आइए 1/f, और ये प्लस में हो गया 1/f बराबर आ जाएगा 1/v, 1/v बराबर आ गया यहाँ से 2/f, तो यहां से f बराबर आ जाएगा हमारे पास में, f बराबर आ जाएगा हमारे पास में, नहीं सॉरी v बराबर आ जाएगा हमारे पास में f/2, मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस दूरी से आधी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, फोकस दूरी से आधी दूरी पर प्राप्त हो रहा है। ये उत्तल दर्पण के लिए था, आपने बोला कि एक उत्तल दर्पण है जिसके लिए जिसकी फोकस दूरी f है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f हम प्लस में लेते हैं, और इस उत्तल दर्पण के सामने जो आपने वस्तु रख रखी है, बिंब रख रखा है, वो इस दर्पण से f दूरी पर रख रखा है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी f है, और ये हमेशा ही माइनस में होती है प्रत्येक दर्पण के लिए। अब v का मान आपको ज्ञात करना था, तो v का मान हमें यहां से मिल गया कि यहां पे जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो कहां प्राप्त होगा, फोकस दूरी से आधी दूरी पर प्राप्त होगा, मतलब ये प्रतिबिंब फोकस दूरी से भी कम है, इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी फोकस दूरी से भी कम है, ये प्रतिबिंब कहां मिल रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल दर्पण के लिए, जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, जब वस्तु कहां रखी हुई होती है, जब वस्तु को आप अनंत और पी के बीच में रखते हैं, दो ही स्थितियों में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था, और उन दोनों स्थितियों में से दूसरी स्थिति। देखिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी एक पिन, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक पिन, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है एक पिन, u का मान, पिन की जो दूरी है वस्तु की दूरी माइनस में 20 हो गई, माइनस में होती है प्रत्येक दर्पण के लिए, इसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और v का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस में 40 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बनेगा प्रतिबिंब। तो यहां से आप देखिए दर्पण के लिए फोकस दूरी f का मान हमें ज्ञात करना है, और दर्पण के लिए फोकस दूरी f का मान आप ज्ञात करते हैं, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/v प्लस 1/u, तो यहां से 1/f बराबर आ जाएगा 1/, और ये माइनस में 40 हो गया, प्लस 1/, और u का मान माइनस में v था माइनस में 20, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 40, तो 40 आ गया एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे आ गया माइनस 2, तो ये आ गया माइनस में 3/40, तो एफ का मान आ जाएगा माइनस में 40/3, और यहाँ से हो जाएगा माइनस में, और 13.33 माइनस में 13.33 सेंटीमीटर, ये था हमारे पास में एफ का मान। तो अभी तक आपने आपकी किताब में दिए गए 6 एग्जांपल्स का अध्ययन किया है, 6 उदाहरणों का हमने अध्ययन किया है, जो कि किन पे आधारित थे, आर और एफ के संबंधों पर आधारित थे, और दर्पण सूत्र पर आधारित थे, और आवर्धन क्षमता पर आधारित थे, इन तीन पर आधारित आपने आगे प्रश्नों को हल किया है। अब इससे आगे का टॉपिक हमें देखना है अपवर्तन, इससे आगे का टॉपिक हमारे देखना है अपवर्तन, तो यहां से अगर हम देखें तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, देखिए अपवर्तन क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अभी तक आपने, अब इस पाठ में अभी तक आपने देखा था कि वास्तव में परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन की घटनाओं में क्या क्या नियम बनाए जा सकते हैं, और क्या क्या प्रारूप तय किए जा सकते हैं। परावर्तन होता है अपारदर्शी माध्यम से, और उस अपारदर्शी माध्यम जैसे दर्पण के बारे में आपने अध्ययन किया, और आपने बोला कि दर्पण दो प्रकार के हैं, और ये दो प्रकार के दर्पण थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये हमने देखा, और समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की जो विशेषताएं क्या क्या होती है वो हमने देखी। अब हमें देखना था, फिर आपने देखा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हमने बोले थे कि एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, और इसी के साथ में हमने कहा था कि जो गोलीय दर्पण है
इससे संबंधित कुछ नियत बिंदु होते हैं जिनकी परिभाषा हमने देखी थी, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि मुख्य अक्ष क्या होती है। इसके आधार पर हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखे, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण हमने किया दोनों ही प्रकार के दर्पणों से। हमने बोला कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है, और ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा, ये जो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब है इनमें से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक और वस्तु उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हालांकि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा हो सकता है, और एक स्थिति में जो अवतल दर्पण से केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और आभासी मिलता है, जो कि हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद में आपने उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां देखी, और ये जो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां थी ये आपने 2 स्थितियां बोली थी, और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है, और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जबकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था वो केवल और केवल वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब था, सीधा और आभासी था लेकिन वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब था। तो आप यहां से देखिए, अगर वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब आपको चाहिए तो वो कौन से दर्पणों से मिलेगा, समतल दर्पण से मिलेगा। अगर आपको वस्तु से छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो वो उत्तल दर्पण से मिलेगा, और अगर आपको वस्तु से बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो वो अवतल दर्पण से प्राप्त होगा। और अगर आपको बोला जाए कि उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए है हमें वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, जो कि वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो ये केवल और केवल अवतल दर्पण से प्राप्त होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे कि वास्तव में अपवर्तन क्या है और किस प्रकार से अपवर्तन की घटनाएं हो सकती हैं। अपवर्तन के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। देखिए, अपवर्तन का थोड़ा सा प्रारूप हम देख लेते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। अपवर्तन देखिए, एक बात तो ये आप ध्यान रखना, परावर्तन में हमने बोला था कि परावर्तन जो है वो अपारदर्शी पृष्ठों से होता है, और जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा था उसको हमने परावर्तक पृष्ठ कहा था। ठीक है, जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा था उसको हमने परावर्तक पृष्ठ कहा था, ऐसे ही जिस पृष्ठ से अपवर्तन होगा उसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है वो तो परावर्तक पृष्ठ है, और जिससे अपवर्तन होता है वो अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। हालांकि आप ये ध्यान रखना कि परावर्तन केवल अपारदर्शी पृष्ठ से होता था, और अपारदर्शी पृष्ठ से तो क्या होता है, केवल और केवल परावर्तन होता है। अगर कोई पारदर्शी पृष्ठ आपको दिया गया है तो उस पारदर्शी पृष्ठ से परावर्तन भी हो सकता है और अपवर्तन भी हो सकता है। प्रकाश की कुछ मात्रा का अपवर्तन होगा, प्रकाश की कुछ मात्रा का परावर्तन होगा। जैसे आप एक गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और उस शीशे के जरिए, गाड़ी के उस कांच के जरिए पास होते हुए, उस ग्लास से, उस कांच से पास होते हुए धूप आपके पास में आती है, लेकिन उस धूप की जो तीव्रता है वो उतनी नहीं होती जितनी की बाहर है, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसकी तीव्रता कम होगी क्योंकि सारा प्रकाश, पूरी ऊर्जा का प्रकाश आपके पास में नहीं आ पाया, प्रकाश की कुछ मात्रा का अपवर्तन हो गया, कुछ मात्रा का परावर्तन हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आप पहली बात से ये बोल सकते हैं कि अपवर्तन अपवर्तन पारदर्शी पृष्ठ से होता है, और जिस पारदर्शी पृष्ठ से अपवर्तन होता है उस पृष्ठ से प्रकाश की कुछ मात्रा का तो अपवर्तन हो जाता है, कुछ मात्रा का परावर्तन हो जाता है, समझे आप मेरी बात को। तो आप अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परावर्तन के विषय, अपवर्तन के विषय। अभी तक आपने परावर्तन से संबंधित सारे बिंदुओं की चर्चा कर ली है, अब इससे अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है अपवर्तन के बारे में। धन्यवाद।